कल हमने आपको एक वीडियो दिखाया था और खबर बताई थी कि किस तरह दिल्ली में प्रगति मैदान टनल में लूटपाट की वारदात हुई है। कैसे बेखौफ चार बदमाशों ने गाड़ी में सवार कारोबारी को दिन दहाड़े लूट लिया। हालांकि 24 घंटे के अंदर पुलिस आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रही है, लेकिन अब दिल्ली के मंडोली इलाके में अपराधियों की लूटपाट मचाने का नया वीडियो सामने आया है। यहां तीन लुटेरों ने बंदूक दिखाकर 1 लाख रुपए लूट लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और अपराधियों की पहचान करने की कोशिश जारी है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि घटना 19 जून की है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें इन अपराधियों की क्रूरता नजर आ रही है। वीडियो में नजर आ रहा है कि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे एक बुजुर्ग शख्स के हाथ में बैग है और भीड़भाड़ वाली सड़क पार करके दो युवक इनके करीब आते हैं। करीब आते ही एक युवक बैग छीनता है और दूसरा बंदूक दिखाकर सबको डराता है। इस दौरान मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे बुजुर्ग जमीन पर गिर जाते हैं और अपराधी उनको सड़क पर ही घसीटने लगता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि सड़क पर उस दौरान कई गाड़ियां खड़ी है। अपराधी बुजुर्ग से पैसे छीनकर सड़क पार करता है और फिर वहां उनका एक साथी बाइक लेकर मौजूद होता है। तीनों इस बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। घटना नॉर्थ ईस्ट के हर्ष विहार इलाके में 19 जून देर शाम को हुई। अपराधी सफेद रंग की अपाचे बाइक पर सवार होकर आए थे। भीड़भाड़ वाले इलाके में हैरान कर देने वाले इस वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर काफी शोर शराबा मचा हुआ है। उपराज्यपाल ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक अहम मीटिंग भी बुलाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहे एबीपी लाइव।